अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कोट कॉलर की कटिंग स्टिचिंग शेयर करने वाली हूँ। कोट कॉलर मुख्तलिफ तरीक़ों से बनाया जाता है। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके लिए सबसे आसान तरीका लाया करूँ। तो फ्रेंड्स, फ्रंट पार्ट के पे हमारा नेक तैयार होगा कोट कॉलर के लिए, और हम कोट कॉलर की नेक की कटिंग सबसे पहले बुकरम पे करेंगे। तो हम यहाँ पर बुकरम को ले लेते हैं। बुकरम हमारे पास 10 इंच की लंबाई और तकरीबन 5-6 इंच की चौड़ाई में हमने इसको डबल फोल्ड कर लिया है, और यहाँ पर हम नेक के लिए मार्किंग करेंगे। तो नेक की विड्थ हमारे पास 2.5 इंच पे हम मार्क करेंगे। ये हम नेक की विड्थ रखेंगे और 3 इंच पे हम लेंथ के लिए मार्क करेंगे, और इस तरीके से गुलाई करेंगे, और 4 इंच पे हम एक मार्क करेंगे कट के लिए, और इस तरीके से हम नेक को शेप दे देंगे। यहाँ हमने 2 इंच तकरीबन और ऊपर 3 इंच पे हमने तकरीबन इसको शेप दे दी है इस तरीके से, और हम नेक को कटिंग कर लेंगे। और अब हमने यहाँ पर जो 4 इंच पे मार्क किया था उस पर सीधी लाइन ड्रॉ करके हम इसको कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम इसको फैब्रिक पे पेस्ट कर लेंगे, और फैब्रिक पे हमने पेस्ट कर लिया है, और अब हम इसको शर्ट के साथ ज्वाइन करेंगे। तो इस तरीके से हम क्रेज लाइन के ऊपर इस तरीके से मिला के रखेंगे नेक को, और ऊपर से हम आम जो है नेक की तरह इसको सिलाई नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ से सिलाई शुरू करेंगे। ये तकरीबन हमने 1.25 इंच पे राइट लेफ्ट दोनों साइड पे मार्क कर लिया है, और यहीं से हम सिलाई को शुरू करेंगे। इस तरीके से हम सिलाई को लगाएंगे, और ये हमारी सिलाई लग चुकी है, आप देख सकते हैं। और अब हम नेक के साथ शर्ट वाले फैब्रिक को भी कट कर लेंगे। आप इसको पहले से भी कट कर सकते हैं, और अब हम इसको कट लगा देंगे दरमियान से भी। और यहाँ पर दोनों को एक छोटा सा कट दे देंगे दोनों साइड में, और दरमियान से भी हम कट कर लेंगे। ध्यान रहे यहाँ पर हमारी सिलाई कट नहीं होनी चाहिए। और अब हम इसको राइट साइड को टर्न कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर शोल्डर को ज्वाइन कर लिया है बैक साइड के साथ, और इस तरीके से हमने इसको टर्न कर लिया है। ये हमारी बैक साइड है, और बैक साइड वाले से हम फैब्रिक को इस तरीके से 1/2 इंच पे कट कर लेंगे। और अब हम सेंटर पॉइंट फिर से बना लेंगे यहाँ पर, और अब हम कॉलर के मेजरमेंट करेंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने नेक को कहाँ तक ज्वाइन किया है, वहीं 1/2 इंच पे जहाँ हमने मार्क किया था वहीं तक हमने इसको ज्वाइन किया है, और बाकी का नेक हमारे पास अभी तक ओपन है। और यहाँ पर हमारे कॉलर की मेजरमेंट 14 इंच है, तो 14 इंच का हमारा कॉलर तैयार होगा। तो यहाँ पर 7 इंच पे हमने मार्क किया, और कॉलर की लंबाई जो है हम 3 इंच हमने इस बुकरम की रखी है, यहाँ पर हमने 2.5 इंच पे मार्क किया है। साइड पे हमारे पास 3 इंच है फिलहाल, और हाफ तक हमने यहाँ पर एक मार्क कर लिया है, और यहाँ हम 6 पॉइंट ऊपर को एक मार्क करेंगे।
और जहां हाफ तक हमने मार्क किया था वहां तक गोलाई कर दी और यहां हमने इसको हाफ इंच के बाहर को शेप दे दी है कॉलर को और ऊपर भी हमने जो 2.5 इंच पे मार्क किया था उसको सेंटर तक हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और उसके बाद कॉर्नर से इस तरीके से गोलाई कर देंगे और अब हम कॉलर को कट करेंगे। तो ये हमारे कॉलर की कटिंग हो चुकी है, अब हम इसको फैब्रिक पे पेस्ट कर लेंगे। ये हमारे पास डबल फैब्रिक है और 1/2 इंच के डिस्टेंस से हम फैब्रिक को कट कर लेंगे और अब हम इस तरीके से सिलाई कर लेंगे। कॉर्नर्स पे हमने धागा दे दिया है ताकि टर्न करने में बिल्कुल आसानी हो। तो यहाँ पर अब हम छोटे कट्स लगाकर एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने कट कर लिया है और छोटे कट्स लगाकर इसको राइट साइड को टर्न कर लेंगे। तो ये हमारा कॉलर हमने प्रेस कर लिया है। तो अब हम जहाँ से हमें बुकरम नज़र आता हो वहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर हम एक पाँव की सिलाई लगा देंगे तरीके से। हम हमारा कॉलर तैयार हो चुका है। और अब हम इसको शर्ट के साथ ज्वाइन करेंगे। फ्रेंड्स ये हमारी शर्ट की सीधी साइड है और यहाँ पर हम कॉलर की रॉन्ग साइड को रख के इस तरीके से और जो हमने पहले नेक टर्न किया था उसको फिर से हम रॉन्ग साइड की तरफ टर्न करेंगे। इस तरीके से कॉलर हमारा दरमियान में आए और शर्ट और जो हमने पहले नेक तैयार किया था वो साइडों पे बाहर को आए। और अब हम यहाँ से सिलाई को शुरू कर देंगे। और शोल्डर की सिलाई तक ले जाके हम सिलाई को रोक देंगे और फिर दूसरी साइड से इसी तरीके से हम कॉलर को सेट करके सिलाई लगाएंगे। तो फिर दूसरी साइड भी हमने उसी तरीके से सेट की, दरमियान में कॉलर और शर्ट की हमारे पास राइट साइड है और उसके ऊपर हमने रॉन्ग साइड कॉलर की रखी और ऊपर से हमने तो इस तरीके से हमने कॉलर को तैयार कर लिया है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने इसको प्रेस भी कर लिया और यहाँ पर हम लूप्स लगा देंगे 2 बटन के लिए और आप देख सकते हैं बहुत अच्छी फिनिशिंग आई है। यहाँ पर हम मर्जी भी लगा सकते हैं और हैंड स्टिच भी कर सकते हैं और यहाँ पर हम बटन लगाएंगे 2। तो यहाँ पर हमारे बटन भी लग चुके हैं। फ्रेंड्स ये हमारी फाइनल लुक है। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।